স্যামসাংয়ের ফোনটা मैं लाइव आ चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने सारे फ्रेंड्स हैं सब कोई धीरे धीरे जुड़ जाइए। आज आप लोगों के साथ कुछ बातें करना है, कुछ सवाल है, कुछ जवाब है जो देना है, तो आप लोग प्लीज़ जुड़ जाइए। और थैंक यू, ऑन होते ही 37 लोगों ने मुझे व्यू कर रहा है। इसी तरह से सब कोई जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, उसके बाद मैं बात करती हूँ आप लोगों से। हेलो हेलो, सभी को दिल से प्रणाम। और माता रानी की कृपा से आप लोग सब कोई अच्छे ही होंगे, आई होप। जय हो, जय हो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय माता दी। अवधेश विहारी विशाल, हाय हाय। मैं बारी बारी सबका नाम अभी किसी का नहीं ले रही हूँ, लेकिन सबको दिल से प्रणाम। और आप लोग इतना सारा प्यार मेरे गाने को देने के लिए, राजा जानी ना बहारिया, उसके लिए दिल से थैंक यू। आप लोग ने मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया और आप लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बनाए रहा, इसीलिए एक्चुअली मैं 2 बजे लाइव आने वाली थी और मैं थोड़ा सा लेट हो गई बिकॉज ऑफ दैट कि मैं ट्रैफिक में थी, मैं सफ़र में थी, तो मुझे घर पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो गया। और इस तरह अचानक लाइव आने का रीज़न माना जाए तो बहुत बड़ा तो है नहीं, लेकिन देखा जाए तो बहुत बड़ा है। हर हर महादेव। जितेंद्र मिश्रा जी, हर हर महादेव। आशान कुमार, हेलो दी, नाम ले लीजिए। नमस्ते जी, नमस्ते मैम। अपना अच्छा, मैं ये चाहती हूँ ना, आप लोग जल्दी जल्दी सारे लोग, और ख़ास करके इंडस्ट्री के सारे लोग जिनका जो सवाल है आज मेरे काम को लेकर के, तो सब कोई प्लीज़ जुड़ जाइए। ये आप लोगों का, मधु का आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जुड़ जाइए और इस लाइव को शेयर कीजिए कि ये लाइव सब तक पहुँचे। मेरे जितने सारे फैंस हैं, गार्जियंस हैं, मेरे गुड विशर्स है, सब तक राधे राधे। हाँ, दिल से दिल तक, सबके दिल तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। देखिए, मैं आज कुछ मस्ती करने या आप लोगों से, मैं ज़्यादा लाइव नहीं आती हूँ, आप सबों को पता है कि मैं
लाइव आना उतना ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभी कंडीशन इतना क्रिटिकल बन जाता है ना, ये समझ में नहीं आता है कि करना क्या चाहिए। तब एक ही सहारा दिखता है कि जो है मेरा गार्जियन, मेरे फैंस, मेरे देवता जो आप लोग हो, भगवान तो है लेकिन रियल लाइफ भगवान तो आप ही लोग हो, कि जो कुछ आज हूँ वो आप ही लोगों का देन है। आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। आपका नाम कितना दीवाना हो चुकी है, आवाज़ कम आ रहा है, अभी सही आ रहा होगा। अगर आप लोग पूछ रहे हो कि कैसे हो मधु, तो मधु कुछ अच्छा नहीं है, इसीलिए अच्छा नहीं है ना कि हालात ही कुछ अच्छा नहीं है। आप लोग जुड़िए, जिस मुद्दे में मैं लाइव आई हूँ वो लाइव क्यों आई हूँ और किस लिए आई हूँ, रीजन क्या है, मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को। बाली कुमार, रोहित कुमार सिंह, गौतम सिंह राजपूत, आयुष पांडे, आकाश राज, गौरव कुमार, गौतम सिंह राजपूत, बाली कुमार, अभिषेक चौधरी, प्रेम सिंह नालंदा, गौतम सिंह राजपूत, शिवानी राय, बाली कुमार, प्रेम सिंह नालंदा, रजनीश कुमार, अभिषेक, सबको दिल से प्रणाम। एक्चुअली मेरा आज कल मतलब 1 तारीख को मेरा एक कार्यक्रम था, तो वहाँ से आने में मुझे इतना ट्रैफिक था, तो आज मेरा शूटिंग भी थी तो मैं शूटिंग नहीं कर पाई, बिकॉज ऑफ दैट कि मैं बहुत ज़्यादा जाम हो गया और मैं ट्रैफिक में फंस चुकी थी, तो मुझे आज आज का शूटिंग कैंसिल करना पड़ा। और कुछ ऐसे आते आते रास्ते में कुछ ऐसे न्यूज़ मुझे सुनाई दिया और जिसका जवाब शायद मैं फोन करके दे नहीं सकती थी, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही हद से ज्यादा किसी का रिस्पेक्ट कर देती हूँ, जो मुझे शायद आज के डेट में नहीं करना चाहिए। मैं अगली बार लाइव आई थी तो मैं बोली थी कि बहुत सारा पॉलिटिक्स इस इंडस्ट्री में होते रहता है और इस पॉलिटिक्स का शिकार मैं हो रही हूँ। मैं सोची थी कि उस टाइम लाइव आकर बोलने के बाद जो लोग कर रहे थे वो लोग, आई एम वेरी श्योर कि वो लोग देखते हैं, उस चीज के बाद वो चीज खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं। राकेश मिश्रा जी वॉचिंग, थैंक यू राकेश मिश्रा जी, गुड आफ्टरनून, और आपको भी बहुत बहुत बधाई। हम लोगों का राजा जाई ना बहरिया इतना ज़्यादा दर्शकों से प्यार मिला और चारों तरफ बम बम कर रहा है ये गाना। विकास कुमार पासवान, रितेश पांडे जी, गुड आफ्टरनून। रितेश पांडे जी को बहुत बहुत बधाइयाँ कि
आपका जादव जी की चौकी इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, और आई होप कि दर्शक है तो हम लोग हैं तो दर्शक से हम लोग और ज़्यादा प्यार मिलेगा आपका जादव जी की चौकी को। मैं आज इसीलिए लाइव आई हूँ कि इंडस्ट्री में बहुत सारा सवाले हैं मेरे को लेकर के, खास करके कुछ वीडियो डायरेक्टर को कि मधु इतना पेमेंट क्यों लेती है आज के डेट में। एल्बम में मधु पटना में 3.5 पेमेंट लेती है, ऊपर से फेयर लेती है, वो मेरी हक है। और मैं तो ये बोलूँगी कि आप बोल रहे हो कि इतना ज़्यादा बजट नहीं होता, पहले का इतना बजट था तो अभी के डेट में इतना बजट है, सिंगर लोग देना नहीं चाहता है और सिंगर लोग फ़ोन करता है तो पहला फरमाइश में मधु रहती है कि मधु को वो करना है। तो मैं किसी के पास तो ये नहीं बोलती हूँ कि मुझे काम चाहिए, मुझे काम दीजिए। मैं अपना काम करती हूँ, मुझे प्यार है काम से, और ऑब्वियसली इट्स माई पर्सनल लाइफ। और मैं कितना पेमेंट लेती हूँ कितना नहीं लेती हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि मुझे क्या, हर मॉडलों को पेमेंट बनाना चाहिए अपना, खास करके वो लोग मॉडलों को पेमेंट बनाना चाहिए जो लोग मॉडल वो करते हैं ना, एक दिन में 10-10 गाना शूट करके दे देते है ना, सुबह से लेकर के 10 रात 10 बजे तक 11 बजे तक। वो लोग भी चाहते हैं ना हम लोगों का पेमेंट बढ़े, लेकिन आप लोग बढ़ने नहीं देते हो। और मधु गाना मांगती है पहले, क्यों गाना मांगती है भाई, क्यों गाना मांगेगी? दूसरा लोग नहीं मांगती वो क्यों मांगेगी? मधु इसलिए गाना मांगती है ना कि आप लोग तो सेट पे बुला के कुछ भी करवा सकते हो, कोई भी गाना। ऐसे शुरू शुरू में मेरे साथ हुआ है बहुत बार, जब मुझे भोजपुरी में उतना ज्यादा आइडियाज नहीं था, है ना। जो लोग मेरे फैंस हैं, जो लोग मेरे गार्जियन हैं, वो शुरू से अगर मुझे देखते हैं तो उन लोगों को भी पता है। ये बहुत मतलब बहुत दुखी हो कि ये मुझे कहना पड़ रहा है कि पेमेंट नहीं बढ़ना चाहिए, यहाँ से बैकआउट कर देंगे कोलकाता। अरे यार, ये कौन सी जुबान है आपका? आप कौन होते हो बैकआउट करवाने वाले? और मधु मधु अपने काम के बदौलत जीती है, मधु दिस दैट नहीं करती है। कोई एक सिंगर बोल सकता है क्या मधु ने ऐसे करके काम किया, मधु ने कुछ गलत किया? और बाकी रहा मेरा पर्सनल लाइफ, मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाले आप होते कौन हो? और एक कोरियोग्राफर एक डायरेक्टर की वजह से खाली वीडियो शूट होता है और हिट हो जाता है क्या? नहीं ना, कभी नहीं होता है। जो सिंगर रहते हैं वो अच्छा गाना देते हैं मार्केट में, बहुत सारे लोग हैं कि उस गाने को रिपोर्ट कर देते हैं, लेकिन जो अच्छा गाना रहता है ना, जिसमें हीरो हीरोइन, एक मॉडल के बिना एक वीडियो एल्बम अधूरा है, चाहे इंडस्ट्री में कोई भी काम एक मॉडल के बिना अधूरा है, चाहे वो मूवी हो कोई भी हो, फीमेल कैरेक्टर नहीं रहे ना वो काम अधूरा रहता है। और यहाँ पे फीमेल कैरेक्टर का कोई इज्जत ही नहीं है, 2,500-3,000 3,500 लोग क्यों लेंगे? पूरा दिन में 10 गाना कर दो और करके
छाप दो गाने को और 2000 पेमेंट लेके जाओ। वो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि अरे वो मॉडल तो कोई बोलती ही नहीं है, बहुत ज्यादा मैनेजेबल है। आदमी एक बार मैनेज करता है, दो बार आदमी मैनेज करता है, और हर बार आप उस चीज का रिवेंज उठाते रहोगे। मैं सबको ये बोल रही हूँ, आज पूरा रात कार्यक्रम करने के बाद अभी तक मैं सोई नहीं, और मुझे बहुत दुखी होके लाइव आना पड़ा क्योंकि मुझे लगा कि जवाब देना चाहिए। मैं तो हमेशा चुप रहती है ना, सुन लेती है तो लगता है कि अरे ठीक है। कभी कभी होता है कि आदमी अपना पेमेंट थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करता है कि ठीक है चलो यार, हमेशा काम कर रहे हैं, कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं। मुझे सबका तो पता नहीं, मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं एक एकलौती हूँ कि नहीं। ऐसे दो तीन चार और भी मॉडल हैं कि जो लोग पहले गाना मंगवाती है वो गाना सुनती है इसीलिए ना। आप एक बार अच्छे से सुन लो कि इसलिए गाना सुनती है। उसका दो तीन रीज़न रहता है। पहला रीज़न कि कोई भी गाना आदमी नहीं ना करना चाहेगा, क्योंकि असली गाना करेंगे तो उसका छवि अलग जाता है, और भोजपुरी को अगर साफ सुथरा करना है तो गाना सबसे बड़ा मैटर रहता है। गाना सुनने के बाद उसका मीनिंग डिसाइड होता है। हाँ बहुत सारा गाना होता है दो अर्थी होता है, और मधु इसलिए सुनती है ना, जितना भी मधु ये भोजपुरी से सीखी है और जितना भी उसको आता है वो अपने अपने आप से कुछ उसका कंपोज कर सकता है कि नहीं, और ये सब जानता है। जब राकेश मिश्रा जी का ये गाना राजा जाई ना बहारिया गाना कंपोजिशन चल रहा था, उसी टाइम हम गाना सुने थे, और गाना जब रफ ऑडियो आया था ना वो हमको भेजा गया था। इसीलिए कि मधु अपने से सोचो कि वीडियो को बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जाएगा, और मधु ने 2.5 दिन बैठ के उसका स्क्रिप्ट रेडी किया, कैसे कैसे क्या होगा। मैंने कोशिश किया, साथ में हमारे टीम में जो कैमरामैन थे पंकज सोनी जी, मुझे बहुत ही अच्छा, अभी जूनियर कोरियोग्राफर में जो अच्छे काम करते जो मेहनत करते चंदन जी, मैं उन लोगों को डिसाइड किया कि हम लोग एक यूनिट मिलके काम करते लॉकडाउन के टाइम सेफ्टी के साथ। हमने 2.5 दिन बैठ के उसको उस गाने के ऊपर कॉन्सेप्ट सोचा। मैंने सोचा कि दो अर्थी गाना है और इतना मीठा भी उसका प्यारा बोली है, तो उसको गाने को मीठा कैसे किया जाए। उस गाने को भी बहुत सारे उस गाने के टाइम भी बहुत सारे रिपोर्ट उस गाने में भी आया, और आज देखिए आज के डेट में वो गाना 50 मिलियन प्लस है। तो होता है ना, जो अच्छा काम होता है ना वो लेट से सही उसका फल जरूर मिलता है। हम लोग तो अपना कर्म किए थे, फल तो आप लोगों के हाथ में था। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ना, मुझे मैं डायरेक्ट नाम ही लेती हूँ, राजा बाबू, जिनको मैं राजा भैया बोलती हूँ और दिल से बोलती हूँ। आपको कोई चीज अगर बुरा लगा, आप गार्जियन हो, आप बोलते कि मधु उतना ज्यादा पेमेंट नहीं मिला बेटा तुम इतना ले लो, या अभी प्रॉब्लम्स है कि 2 दिन बाद ले लो। ऐसे बहुत सारे वीडियो डायरेक्टरों के पास, कोरियोग्राफरों के पास, बहुत सारे नहीं कुछ लोगों के पास मेरा पेमेंट अभी भी ड्यू है, और आदमी प्रॉब्लम में पड़ता है तभी जाके पेमेंट मांगता है ना जी। डेली डेली आपको फोन नहीं ना करते हैं, और मैं अपना हक का पैसा आपसे मांग रही हूँ। आप बोलते हो बिना आपके गाना हिट हो जाएगा क्या, आप दिखाते हो तभी जाके हम लोग कैमरे के सामने उसको सीख के करते। हाँ ऑब्वियसली आप लोग दिखाते हो सीख के करते, लेकिन उसमें हम लोगों का भी क्रेडिट रहता है। आप सिखा रहे हो और हम लोगों का सीखने का
वो ही नहीं रहा, टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ने का क्षमता, उसको माइंड में लेने का क्षमता स्टूडेंट को होना चाहिए। और आप कौन होते हो ABCD ग्रेड जज करने वाले, वो तो पब्लिक करेंगे ना। और राजा भैया ये चीज तो आपसे मैं कभी मतलब सोचे ही नहीं थे कि आप बहन बोलते हुए ऐसा लैंग्वेज यूज कर सकते हो, या कोई भी मॉडलों को। ये तो भोजपुरी में शर्म की बात है कि एल्बम में 2000 में सारे मॉडल काम करती है, और उसमें भी ड्रेसअप खुद का रहता है। सबको मिल के एकत्रित होके ये चीज को बोलना चाहिए कि पेमेंट सबका बढ़ना चाहिए। आप बोल रहे हो सिंगर इतना पेमेंट लेते हैं, फॉर्चुनर में जाते हैं, हम लोग टू व्हीलर में जाते हैं। अरे आप अच्छा काम करते हो तो अच्छा पेमेंट मांगो। और मधु का फर्स्ट सिंगर का कॉल आता है तो मधु का फर्स्ट रिक्वायरमेंट आता है कि मधु चाहिए, तो सिंगर नहीं जानते क्या कि मधु इतना पेमेंट लेते हैं। आपको मधु से इतना ज्यादा दुश्मनी क्यों हो गया कि राजा भैया कल मैंने मेरा घर से कुछ प्रॉब्लम था और मैंने पेमेंट मांगा, इसीलिए आपको नहीं पता था कि मैं 3.5 पेमेंट लेती हूँ आज के डेट में। और ये बोल रहे कि राजा बाबू अभी मुझे लिखे हैं, पहले ये बताओ तुम सभी सिंगरों का काम करोगे। मैं करती हूँ, बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं कि सबका काम करती हूँ। हाँ ऐसा तो नहीं कि मैं किसी का भी कर देती हूँ, ये सही बात है, सारा सिंगर मेरे लिए एक बराबर है, लेकिन मैं सबका काम नहीं करती हूँ। ये फैक्ट बात है कि मैं सबका काम नहीं करती हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैं खाली ओनली फॉर स्टारों का करती हूँ। और आप एल्बमों से क्या क्रेज दे दोगे, मैं सबका काम करूंगी, आप क्या क्रेज दोगे मुझे बताओ। इधर अगर डेली अगर सारे सबके गाने में अगर मधु ही दिखने लगे तो मधु को कोई और बुलाएगा क्या? मधु को अपना जगह खराब करना है, पेमेंट लेना है, तो यही बात ना। तो मैं बस इतना ही पूछूंगी अपने फैंस से कि क्या पूरा दिन सुबह 8, 9, 10 बजे से शुरू करके, मैंने मान लिया कि मैं सेट में 10 बजे पहुंचती हूँ, 10 बजे से रात को 10 बजे अगर एक लड़की मेहनत कर रही है, उसका सारा एफर्ट लगा रही है, ब्रेकफास्ट का ठीक नहीं है, लंच का कोई ठीक नहीं है, वो काम कर रही है, उसका 3.5 पेमेंट मांगना और फेयर मांगना गलत है। आप ऐसा लैंग्वेज कैसे यूज कर सकते हो, यही दिल में रहता है आपका, बहन भी बोलते हो और ऐसा ऐसा लैंग्वेज यूज करते हो। आप फोन में तो मुझे कुछ नहीं बोले, आप भराश निकाल दिए। और सबसे बड़ी बात ना, इस इंडस्ट्री में बहुत सारा गेम पॉलिटिक्स होता है। सब लोग सोचते हैं ना कि मधु को बोलेंगे और इधर से फोन आएगा उधर से फोन आएगा, मधु चुप रहती है तो मधु को बोलती जाऊंगी, और मैसेंजर में कॉल मत कीजिए, मैसेंजर में कॉल करने से मैं यहाँ पे लाइव से ब्रेक होना पड़ रहा है। हाँ तो अभी कहा थी तो कि सब
सॉरी, बार बार मुझे कॉल आ रहा था। मुझे फोन करके बोल रहे कि जब मैं फोन कर रही हूँ तो बाबू बेटा बच्चा करके ऊपर से मेरा नाम लेके यही चाह रहे कि पब्लिक के पास, सिंगरों के पास मधु को खराब कर देते हैं। किस लिए? मैं कभी आपका बुरा चाहा क्या? और आप बोलते हो कि पवन जी का नाम से तुम वो हुए हो तो अभी हम लोग बैकआउट कर देंगे। कैसे बैकआउट कर दीजिएगा? मेरा पब्लिक, अगर मेरा जो दर्शक है वो चाहेंगे तो मुझे बैकआउट कैसे कर दीजिएगा आप? और ये पटना छोटा सा इंडस्ट्री, भोजपुरी का एक छोटा सा इंडस्ट्री का ये पार्ट है पटना, और ये छोटा सा इंडस्ट्री में बैठ के इतना पॉलिटिक्स है। तो कोई साधारण घर की लड़की को तो मतलब इस इंडस्ट्री में आना ही नहीं चाहिए। अब तो मेरे जैसे और लड़की अगर जिसको सोचना है कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊँगी, मैं भी नाम कमाऊँगी, मैं भी कुछ आगे करूँगी, और ये तो खुशी होना चाहिए जैसे मेरा दर्शकों को इतना खुशी मिलता है कि मैं एक बंगाल से होके मैं भोजपुरी के लिए काम करती हूँ और भोजपुरी मुझे अच्छा लगता है, मैं इंजॉय करती हूँ इस वर्ड को, इस भाषा को। और आज मैं अपने अंदर बहुत हिम्मत जुटा के, बहुत गट्स जुटा के मैं आज ये बोलने के लिए मजबूर हो रही हूँ। आपको देने में नहीं बनता है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं कि पेमेंट देते हैं, उन लोगों को तो अखरता नहीं है। और सारे मॉडल को पेमेंट मिलना चाहिए बढ़ा के, लोग बोलते नहीं है कि कहीं ना उन लोगों को काम ना मिले। जो हक के, जो जिसका जो हक है उसको वो मिलना चाहिए। मेकअप मैन अगर अच्छा मेकअप मैन है, वो अगर पूरा दिन भर काम कर रही है और उसका उसके देन से हम लोग खूबसूरत बनते हैं, हम लोग सारे मॉडल, आप एक लड़की को, खास करके एक लड़की को कैसे बोल सकते हो? आप गाली दे रहे हो, गलत लैंग्वेज यूज कर रहे हो राजा भैया आप। मधु तो गिन चुन के कुछ ही लोगों का काम करती है, उतने में ही इतना पॉलिटिक्स। आखिर क्यों मेरे साथ क्यों? इसलिए कि मुझे बटर पॉलिश करना नहीं आता? आपको ये पता होना चाहिए, जब मैं देवी गीत कर रही थी नवरात्र में 9 दिन पवन जी का, उस गाने के टाइम मैंने बोला कि मुझे जब पवन जी के वहाँ से कॉल आया और आज मैं कुछ भी हूँ और मुझे इस लाइन में लाने के लिए सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो वो दीपक सिंह जी है, पवन जी है। उन लोगों ने मेरे ऊपर हिम्मत जुटाया कि तुम काम कर सकती हो, तब मेरे अंदर कॉन्फिडेंट आया और मैं पहला काम की। उसके बाद मेरा दर्शकों को काम अच्छा लगा, सारे सिंगरों को काम अच्छा लगा, तब मेरा वो चीज होने लगा। आप लोग ऐसा धमकी दे देते हो कि बेटा तुम पटना में नहीं रह सकते हो। पटना किसी का मतलब खरीदा हुआ है? या हम किसी के खरीदे हुए जगह पे आके बैठे हुए हैं? या मुझे रहने का जगह और खाने पीने का जगह आप लोग दिए हो? मैं अपना मेहनत का खाती हूँ, अपना मेहनत का कमाई से रहती हूँ। आप लोगों के वजह से ना आदमी लोग डिप्रेशन में आ जाता है, आदमी लोग सुसाइड करने में मजबूर हो जाता है। मैंने आपको फोन करके यही बोला ना कि मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, मुझे पेमेंट का ज़रूरत है। और ऐसे ऐसे 2-3 लोगों को और फोन किया जिन लोगों से मैं पेमेंट पाती हूँ। क्या मैंने गलत किया?
जो लोग मुंह पे अच्छे बोलते हैं और पीठ पीछे बुराई करता है ना, वही लोग आप लोगों के लिए अच्छे हैं। और राजा भैया आपसे कोई दुश्मनी नहीं है मुझे, वो आपका संस्कार है कि आप जिसको बहन बोलते उसको गाली दिए, उसके बारे में ऐसे ऐसे बोले। मैं तो भाई अपना सेफ्टी देखूंगी ना, मैं क्या गलत बोली। अगर मैं आप फेयर देने में नहीं मानता है तो आप मुझे आके रिसीव कर लेना। मुझे पता है राजा बाबू कि आप बहुत बड़े कोरियोग्राफर हो और हम कुछ नहीं है। और हाँ, मैं ट्रेंडिंग स्टारों के साथ काम करके आज मेरे थोड़ा बहुत नाम हुआ है। मुझे तो आता ही नहीं है कुछ। ऐसे ही झूठों का बड़ाई करते हो आप कि मधु को बताना नहीं है, मधु ये चीज कर लेगी। मैंने एक समय ऐसा था ना कि मैं सेट पे पहुंच गई और सबको नींद से उठाई, रात भर सो शो शूट करने के बाद कि उठिए गाना करना है, करके देना है इतना जल्दी, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री को एक फैमिली मानती हूँ और यहाँ पे सब लोग मेरे अपने हैं। मैं किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखना चाहती हूँ। आपको अगर इतना प्रॉब्लम है तो आप बोलते कि बाबू इतना ही पेमेंट मिला है, अगले बार से ले लेना या थोड़ा बहुत कम ले लो। आप ये अपना क्या दिखाए ये कि आप डायरेक्ट एकदम लाइव आके बोल दिए। मधु को जो लोग जानते हैं वो लोग जानते हैं और सारे सिंगरों को पता है कि मधु का नेचर क्या है। और जो लोग सच्चे इंसान है वो मधु को जानता है कि मधु कैसी है। मधुर को पॉलिशिंग करना नहीं आता है। मैं रात भर ठंडी में जगने के बाद मेरा आवाज इतना बैठ चुका है और मैं अभी तक सोई नहीं हूँ। मेरे आंखों में नींद है। मैं अगला दिन यूपी में से आई, कल फिर आरा गई। मेरा लगातार कार्यक्रम था और ये चीज सफर में मुझे पता चला। आप मुझे बहन बोलते हो, मेरा सिस्टर है और सिस्टर को कोई ऐसे ही गाली देता है। जो रिश्ता बनाने के बाद उसको बना के रख नहीं पाओगे ना, तो वैसा रिश्ता बनाओ ही मत ना। कभी किसी के बारे में, कभी किसी के बारे में जो बोलना है मुंह पे बोलिए। मुंह पे क्यों नहीं बोलते आप? आप ही लोग बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ। क्या मेरा पेमेंट मांगना गलत है? क्या मॉडलों का पेमेंट बढ़ना नहीं चाहिए? क्या यूनिट के सारे लोग, जो साउंड मैन है, जो लाइट मैन है, जो कोरियोग्राफर है, उन लोगों का पेमेंट नहीं बढ़ना चाहिए? ममता तिवारी दी, क्लियर कर दो। पहले का इतना बजट होता था, पहले के इतना काम करता था, आज के डेट के साथ आप पहले का डेट का वो तुलना कर रहे हो। पहले का डेट में कोरियोग्राफर लोग जितना मेहनत करके गाना शूट करते थे, उतना मेहनत करके आज के डेट में गाना शूट होता है क्या? मुझे आपका इतना सवाल का जवाब देना ही नहीं है राजा भैया।
मैं सीरियसली आपसे बहस नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे गार्जियन का रिस्पेक्ट करना आता है, और मैं आपका लैंग्वेज से बड़ी दुखी होके मैं लाइव आई हूँ, और अपने दर्शकों से ये क्लियर करना चाहती हूँ, क्या मॉडलों का पेमेंट बढ़ना नहीं चाहिए? क्या हमेशा इंडस्ट्री के फीमेल कलाकार हमेशा शोषण होते आएंगी? झूठ सर झूठ सर, जिसको यूज़ कर लेंगे आप लोग अच्छे से, एकदम हर वीडियो में दिखा देना है, यूज़ कर लिए उसके बाद उसका शोषण हो गया, और शोषण करके उसको उल्टा पुल्टा डिप्रेशन देके फेंक देना है। कब किस टाइम आप लोग क्या बोलते हैं ना, आप लोगों को खुद ही नहीं पता होता है। हाँ हूँ मैं एक डांसर, और ये गर्व के साथ कहती हूँ मैं। डांस सरस्वती का देन है, जैसे संगीत सरस्वती माता का देन है ना, डांस सरस्वती नटराज का देन है। और ये मत भूलिएगा कि माधुरी दीक्षित भी एक बहुत अच्छे डांसर है, जो आज बहुत उनके बहुत नाम है, उनके उनके बहुत चर्चे हैं, वो इतना हाईलाइटेड है उनके डांस के वजह से। एक्टिंग तो है ही, तो डांस को इतना नीचे आंखों से देखा मत करो। डांसर लोग डांस करती है ना सिंगर के साथ, तब जाके स्टेज फुल दिखता है, बड़ा बड़ा सा दिखता है, फुल फील होता है। बिना डांसर का कोई स्टेज लाइव प्रोग्राम होता है क्या? डांसर वो लोग भी है, डांस का रियलिटी शो होता है तो वो डांसर है। डांसर का नाम लो मतलब क्या है? इतना चीप मेंटेलिटी वाला बात, इंडस्ट्री में रहते हुए अगर आप कहते हो तो बाकी बाहर के लोगों से तो कुछ आशा ही नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे वही लोग अच्छी हैं कि जो लोग बटर पॉलिश करें, जो लोग मुंह पे अच्छे और पीठ पीछे बुराई करें। गाना मधु इसीलिए सुनती है ना कि गाना का हर लिपसिंग मधु को याद रहे, मधु को उसका वर्ड समझ में आए। और आपको अगर मेरे नाम पे उल्टा फुल्टा बोलना है ना, तो आप प्लीज़ लाइफ से हट जाओ। धमकी देते हो कि पटना में रहने देंगे, नहीं देंगे बेटा, मर मरा जाओगे। एक अकेली लड़की हो के अब धमकाते हो? बंगाल और बिहार का वो जो वो तफा तफला रहे हो ना, वो आप ही ला सकते हो, आप ही लोग जैसे लोग ला सकते हैं। देश के बाहर से आए हैं क्या? विदेश से आए हैं हम? आप धमकी दे रहे हो, बैकआउट कर देंगे।
और सही में आज तो मुझे डर लग रहा है कि आज ना जाके अगर मुझे कुछ हो जाए तो शायद आप ही करवाओगे। पेमेंट सारे मॉडलों का भरना चाहिए, वो लोग बोल नहीं पाते कहीं आप लोग काम में ना बुलाना बंद कर दो, उन लोगों का मजबूरी होता है 2000 में काम करना। और आप ही का क्यों हमेशा सबसे सबसे थोड़ा 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 कुछ कुछ चीजों के लिए लगा हुआ रहता है? खाली आप अकेले तो कोरियोग्राफर होने की, जिसको मैंने बोला कि मुझे 3.5 पे पेमेंट चाहिए और प्लस फेयर चाहिए। ठीक है, आप जितना पेमेंट दोगे उतने में काम करेंगे, दो 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 2500 में ही काम करेंगे। ड्रेसअप अपना दे दो, हिंदी और बंगाली जैसा, और दूसरे दूसरे एल्बम्स और दूसरे इंडस्ट्री के जैसा आप कॉस्ट्यूम दो, आप गेटअप दे दो। हमेशा ये हमेशा से होते रहता है और बहुत लोग लाइव आते हैं, आज जाके रीजन पता चलता है कि क्यों आदमी सुसाइड करता है, क्यों आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। मैं अभी भी बोल रही हूँ, आपसे मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, आपको नहीं बुलाना है तो कम पे मत बुलाना मुझे। मैं तो अपना सेफ्टी देखूंगी ना जी, कि मुझे कौन गाना अच्छा लग रहा है अब, या कोई भी गाना जाके सेट पर चली जाऊंगी और कैमरा प्रणाम कर लूंगी, उसके बाद मैं अपने भक्ति में आके उसके बाद मुझे पसंद ही नहीं आएगा जबरदस्ती काम कर लूंगी, ऐसे थोड़ी होता है। और मैं अपने सारे मॉडल दोस्तों से और जो मेरे सीनियर आर्टिस्ट हैं सब लोगों से एक ही विनती है कि हक के साथ करना है, हक के साथ लड़ना है और अपना काम से सब कुछ जीतना है। कुछ कुछ ऐसे मॉडल है ना कि इंडस्ट्री को ख़राब कर चुका है, जिसका भुगतान हम सबको भुगतना पड़ता है। आप मुझे बोल रहे हो राजा बाबू कि आप मुझे पटना नहीं रहने दोगे, तो क्या पटना आपने मुझे बुलाए थे? या एक अकेली लड़की देख के और सब लोग मिलके एकदम सोच लिए है कि वो इसके साथ ऐसा करना है? मुझे पता है कि आज ये लाइव आने के बाद मैं कुछ कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा दुश्मन बन चुकी हूँ, अब बन गई हूँ। एफ आई आर क्या करना है?
बोलता है ना, बिहार है बेटा, रहने नहीं देंगे, क्या करेंगे, रोड पर से जाएंगे तो गोली मार देंगे ज्यादा से ज्यादा। बोलबम के टाइम आप एक दिन में खड़ा करके दो दो तीन तीन गाना करवा देते हो। मधु इसलिए बोलती है ना दो ही गाना करेंगे, क्योंकि मधु का प्रेशर से शायद दो ही गाना हो और दो ही गाना अच्छा हो जाए, अच्छे से काम दिखे। कट टू कट काम होता है तो गाना अच्छा निकलता है। राजा जाई ना बहारी, हम लोग फुल डे हाफ नाइट मिला के काम किए थे। हाँ जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता है, जो शो अप कर देती है वो लोग, आप लोग, और कम पैसे में काम करती है और शो अप करती है जाके, वो लोग बहुत अच्छे हैं। वेस्टर्न ड्रेस मतलब शॉर्ट कपड़ा होना जरूरी होता है। क्या बिना बॉडी का नुमाइश का गाना शूट नहीं हो सकता है? या वेस्टर्न पहनने का भी तरीका होता है? ऑब्वियसली जिस गाने के साथ जो ड्रेस शूट करता है वो पहनना चाहिए। लेकिन भाई आप अपने कंफर्टेबल जोन से हटके नहीं ना काम करवाओगे अगले को। ये मधु 3.5 पेमेंट लेती है इसीलिए मधु बहुत खराब हो गई आज। ये तो हाँ वो काम करना है और अच्छे से गाना करना है। सुन लो गाना, सोच लो गाना, जब काम करवाना रहता है तो बाबू बेटा होता है। पेमेंट के साइम टाइम अगर बहन को भी माँ माँ उठा के गाली दे दी है। मुझे किसी के सपोर्ट नहीं चाहिए, मैं सबके हक की बात किया हूँ। और ये अगर जो मॉडल लोग देखेंगी वो बोलेगी, किसी के मजबूरी होता है काम करना और उस मजबूरी का फायदा उठाते हो आप लोग। अगर आप दो भी दोनी वाला किसी को खाने को नहीं दे सकते हो तो किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने का हक नहीं रखते हो आप। इधर का चीज उधर करना, उधर का चीज उधर करना, इसका चर्चा उधर जाके, उसका चर्चा उधर जाके, क्यों? और मैं ए ग्रेड में आती हूँ, बी ग्रेड में आती हूँ, सी ग्रेड में आती हूँ, डी ग्रेड। आप बोलते हो ना सात जात होता है, बहुत अच्छे से मैंने आपका लाइफ सुना। आप खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्या बोलोगे। सबके साथ लड़ाई करते रहते हो आप, और आज इस लड़ाई का शिकार मधु भी हो गई क्योंकि मधु ने पेमेंट मांग लिया।
मधु ने हर गाना सोचती है उसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है वो खुद भी उसके ऊपर सोचता है, और बहुत सारा वीडियो डायरेक्टर बहुत सारा सिंगर भी ये चीज़ जानते हैं। अगर सिंगर लाइन अप करते सिंगर को भी मैं बोलती हूँ कि गाना भेज दीजिए, उसको मैं एक बार सुन लेती हूँ। महेश राणा जी आप बोल रहे हो पुलिस का सहारा लेंगे, क्या करेंगे सर पुलिस का सहारा लेके, यहाँ पे सब अपने में ही गुंडा है, पुलिस कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। पता चला पुलिस का सहारा ले लेंगे क्या, मेरा मम्मी पापा बेसहारा हो गया। यहाँ पे सब अपना सोचते हैं, आप दूसरे मॉडल के बारे में बोलते हो कि वो इतना पतली है तो उसको काम मिल जा रहा है। बॉलीवुड उठा के देखिए ना, फिगर आप जो वो करते हो आपसे कई गुना बड़े बड़े कोरियोग्राफर है, उन लोगों जो ओरिजिनल कोरियोग्राफर होता है ना, जो काम के प्रति श्रद्धा रहता है ना, वो ऐसे लैंग्वेज कभी नहीं यूज कर सकता है। वो एक गार्जियन की तरह कोई चीज बुरा लगे तो समझा सकता है, बाकी सेट पे क्या क्या नौटंकी होता तो वो तो बोलना ही नहीं है, तब तो अगले का नेचर और मेरा नेचर में तो कोई फर्क ही नहीं रह गया। आप जितना करवाना चाहते हो उतना मैं करती हूँ, आप लोग एक ही स्टेप बार बार देते हो तो मैं बोलती हूँ ये स्टेप भैया पहले हो गया अब दूसरा स्टेप चेंज करो, मैं कोशिश करती हूँ उस चीज को करने का। गाना वीडियो निकालने के बाद ज्यादा हॉट ना दिखे, जितना जरूरत होता है उतने भर का ही काम हो वो चीज का फॉलो करती हूँ मैं। क्या ये सब बुरा करती हूँ मैं, या मैं भोजपुरी से प्यार नहीं करती हूँ, खाली आप ही अकेला भोजपुरी से प्यार करती हूँ इसीलिए मुझे 3.5 पेमेंट नहीं लानी नहीं चाहिए। यही सब चीजों के वजह से ना कोई साधारण लड़की सोचेगी भी नहीं इस इंडस्ट्री में आने का, जिसके पास रेफरेंस नहीं है, जिसके पास बड़े हस्ती का हाथ नहीं है वो काम ही नहीं करेगी इसके मतलब। म्यूजिक वाइट कंपनी का एक नया कंपनी जिसका मैंने गाना किया उसके ऊपर वर्क किया, हम लोग पूरा टीम वर्क किए, हम 2.5 दिन बैठ के उसका स्क्रिप्ट रेडी किए। विश्वास नहीं होता है ना, मैं शो करवाती हूँ एक बार, मैं झूठा बात तो बोलना ही नहीं चाहती हूँ। 11/7/20 की बात है ये, मतलब 11 जुलाई की बात है ये। राजा तनी जाई ना बाहरी अब मेरे पास गाना आया, और मैं बैक कैमरा करके एक बार दिखाती हूँ, मैं इस गाने का पूरा चीज वो रेडी किया। मैंने ये पूरा सीन रेडी किया, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसके बाद ये इस चीज को लेके मैं डिस्कशन किया मेरे साथ मेरे को एक्टर्स राकेश मिश्रा जी के साथ
जो ये गाने को गाए हैं। कैमरामैन के साथ, वीडियो डायरेक्टर, कोरियोग्राफर के साथ। आप लोग बोलते हो क्या कर देते हो, तुमको एक दिन में एक गाना दे देती हूँ तुम करके दिखाओ। तो आपको अब खुद अपने स्वाभिमान पे झक के सोचो कि मधु कितना हेल्प करती है कितना हेल्प नहीं करती है, और मधु वर्क करती है ओरिजिनली या नहीं करती है। करेंगे 2,500 में, 2,500 में काम करेंगे हम लोग। स्पॉट में जाने के लिए गाड़ी दे दीजिए, सारे सारे आर्टिस्ट को गाड़ी मिलना चाहिए। आर्टिस्ट मतलब क्या, रोड सब आदमी दिन भर थकेगा काम करेगा और रोड पर से ऐसे ही जाएगा। जो कैमरे में दिखता है खुलेआम अगर मार्केट में ऐसे ही घूमे तो कैसा है आर्टिस्ट। और ये तो भोजपुरी के लिए बहुत अच्छी बात है कि सिंगर लोग फॉर्चूनर से आते जाते हैं। आप अच्छा काम करो, आप पेमेंट मांगो वैसा। भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए मधु को ही बैकआउट करने का जरूरत है। मधु पेमेंट मांग लिया इसीलिए, कोई आज तक नहीं मांग पाई इसीलिए। और ये सब के बाद भी अगर मॉडल लोग डरता है ना, बोलेगा ही नहीं कोई, इतना गार्ड्स लेके बोलना सबके बस की बात तो है नहीं। लेकिन सबसे ये की विनती है कि अपना हक से कभी पीछा मत हटो। अकेला एक लड़की पाके अब लोग धमकाते हो कि रहने नहीं देंगे बेटा। क्योंकि आज तो वो पेमेंट मांग ली, सबसे हाई पेमेंट हो गया। आपसे मैं मांगी, आपका काम तुम्हें कब का करके आई? कल जाके शाम को मांग ली और अब रात तक लाइव आ गए, वाह। और काम करवाने के टाइम बोले भैया मैं इतना पेमेंट लेती हूँ, तो बाबा भाई ना है, अब तुम्हारे मेरे लिए इतना भी नहीं कर दोगे, तब भाई हो गया। और आप उस बहन को आज गाली दे रहे हो, वाह, दिमाग ठीक है ना भैया, दिमाग ठीक है ना भैया आपका। और कुछ कुछ मॉडल लोग अब यही बोलेंगे कि अपना अपना हक है यार, इंडस्ट्री में लड़की मॉडलों का रहना बहुत जरूरी है। बिना मॉडल का तो शायद बहुत कम गाना है कि बिना मॉडल का होता है। 100% गानों में से 90% गानों में मॉडल का ज़रूरत रहता है। और आप लोग उतना मेहनत करते हो, लेकिन हाँ मैं ये भी बोलूँगी कभी अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए अपने आप को नीचा कभी मत दिखाना। पता चला कि किसी को नीचा दिखाने के चक्कर में आप खुद ही नीचे गिर गए,
और ये इंडस्ट्री का ये पुरानी कहानी है, हमेशा लड़की का शोषण होती है, और आज वही चीज मेरे साथ भी हो रहा है। फोन करके धमकी देना, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, क्यों ये सोच लूं कि अगर मैं काम करूं और मेरा अपना हक का मांगू तो मैं इस इंडस्ट्री में नहीं रह सकती हूँ। ग्रेड डिसाइड करने वाले जनता होते हैं, पब्लिक होते हैं जो ग्रेड डिसाइड करते हैं। आप ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास कोरियोग्राफर, कौन क्लास के कोरियोग्राफर में आते हो, वो गाना निकलने के बाद पब्लिक डिसाइड करेंगे कि हाँ ये कोरियोग्राफर ने बहुत बढ़िया काम किया। गाना में आप जो दिखाते हो मॉडल, उस चीज़ को फुलफिल करने के बाद पता चलेगा कि मॉडल कौन ग्रेड के मॉडल है। और डांसर की बात बोलते हो, एक अच्छा डांसर ना होने से ना डांस बेसिक गाना कौन एक्टर कर सकता है, ये बताइए। कम से कम कोई चीज हो या ना हो, कभी एक लड़की की इज्जत पे उंगली मत करना, ये सबसे रिक्वेस्ट है। और बहुत दुख होता है आदमी अपना शहर छोड़ के, अपना भाषा छोड़ के, अपने मातृभूमि छोड़ के दूसरे लैंग्वेज लैंग्वेज से प्यार करती है, दूसरे लैंग्वेज के बारे में सोचती है, उसके बावजूद अब धमकाते हो। तो आज मैं ये लाइव में मैं बोल देती हूँ, आज जाके मैं अगर, आज अगर मुझे कुछ हो जाए, कल जाके ना भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाए, मेरा फैमिली से मैं अलग हो जाऊँ, मैं इस धरती में रहूं ही ना, उसके बजे आप जैसे कुछ लोग होंगे। मधु सोचती है कि सिंगर कौन कलर की कपड़ा पहनेंगे, तब जाके ये कलर की कपड़ा पहनेंगे तो हम मैच करेंगे। वो भी अपना पैसा का कपड़ा होता है ना, कि आप लोग देते हो ड्रेसअप मैन रहता है। ममता तिवारी जी, नमस्ते ममता जी, मैंने आप मेरे से बहुत सीनियर हो और इस इंडस्ट्री को बहुत पुराने से जानते हैं, बहुत आगे से जानते हैं, लेकिन आज के डेट में इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा गेम है, नहीं पता उस टाइम भी था कि नहीं। अब जाके लोग जीना हराम कर देते हैं, जो लोग मक्खन लगाएंगे वो लोग इंडस्ट्री में रह सकते हैं, हीरोइन बन सकती है, चाहे वो कैसी भी हो, काम आए या ना आए। हाँ मुझे पता है, माँ के पेट से तो कोई सीख के नहीं आता है, लेकिन जितना सिखाते हैं उतना प्रॉपरली सीख के कितना आदमी कर लेता है, थोड़ा सा हमको बताइए तो।
मुझे बस इतना ही बोलना है, मैं ज़्यादा और कुछ बोलूँगी नहीं, बस मुझे जब तक अपने पब्लिक का प्यार मिलता है मैं इस इंडस्ट्री में रहूँगी। आप कुछ नहीं कर सकते हो, और करोगे भी तो क्या करोगे, ज़्यादा ज़्यादा बैकआउट मतलब क्या होता है, मेरा पब्लिक चाहेगा ना तो मैं बैकआउट कभी नहीं होंगी, लेकिन आप लोग मजबूर कर दोगे लोगों को। इतना छोटा सोच, छोटा सा एक एल्बम इंडस्ट्री में, मूवी करने के टाइम भगवान जाने क्या होता है। ना जाने बड़े बड़े हीरोइनों को और क्या क्या झेलना पड़ता होगा। अगर ऐसा ही रहा ना हाल तो बोलने में बहुत बुरा लग रहा है, भोजपुरी इंडस्ट्री कभी नहीं आगे बढ़ पाएगा। धमकी तो बहुत लोग देते हैं, आज खुलेआम धमकी मिला मुझे राजा बाबू से, जिनको मैं भाई बोलती थी और मुझे बहन, गाली दे दिया। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अपने अपने संस्कार होता है, लेकिन हाँ मुझे गिनवाना नहीं चाहिए था ना, मैं कभी कभी किसी को गिनवाई हूँ, मुझे पता है मैं कितना मेहनत करती हूँ, और अगला स्टार मेरा को स्टार को पता रहता है कि मैं कितना मेहनत करती हूँ अपने काम को लेकर के। सो आप कोई नहीं होते हो मुझे बैकआउट करवाने वाले, कैसी रहूंगी जब अलग भाषा से होकर के भी इस भाषा को इतना प्यार करने के बाद और इसी भाषा के आदमियों से इतना कुछ गेम झेलना पड़ता है, इतना पॉलिटिक्स झेलना पड़ता है, तो अच्छी कैसे रह सकती हूँ। अब तो डर सा लगने लगा है, सही बात है, आज पता चल रहा है कि लोग डिप्रेशन में क्यों आता है और लोग सुसाइड क्यों करता है। बस यही रिक्वेस्ट करूंगी सारे लोगों से, जितना लोग मुझे देख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा क्योंकि ये बात सब लोगों तक पहुँचे, बस यही मेरा विनती है कि सोच बदली अपना, थिंकिंग बदली भोजपुरी को अगर ओरिजिनली चेंज करना है तो। लड़के और लाइव आकर उल्टा फुल्टा गाली देने से और बहुत ज़्यादा व्यूवर्स पा लेने से कुछ नहीं हो सकता है, और मेरा ऑडियंस का, मेरा गार्जियन का, मेरा दर्शकों का प्यार और माता रानी का आशीर्वाद रहेगा ना तो सब सही होगा। छठ के गाना किया मैंने राजा बाबू का, अमृता दीक्षित जी सिंगर का, फीमेल लेडीज सिंगर। आज तक वो पेमेंट के लिए मैंने एक ही बार बोला था, उसके बाद मैं कल फ़ोन करके बोली तो इतना सारा चीज़ सुनने को मिल गया, मतलब मैं अपना हक का पैसा मांगी। ऐसे ऐसे मन मुताबिक बहुत चीज़ें नहीं होने से इस इंडस्ट्री से बहुत कुछ सुनने को मिलता है और धमकियाँ मिलता है, और जिन लोगों को कुछ नहीं आता है वो लोग अगर थोड़ा सा बटर पॉलिश कर दे तो बहुत कुछ हो जाता है।
तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे भगवान हो, आप लोग डिसाइड करोगे कि मधु को क्या करना चाहिए क्या नहीं। सॉरी और ये चीज लगातार हो रहा है, नहीं तो मधु को बिन वजह लाइव आने का कोई शौक नहीं है। रिक्वेस्ट है अपना सोच को बदलिए, तब जाके तरक्की करेगा इस भोजपुरी इंडस्ट्री। ये डांस सिंगिंग एक्टिंग ये आर्ट फॉर्म होता है, एक कलाकारी सबको नहीं आता है, और जो कलाकार का कदर नहीं करे तो उसको तो कुछ बोलना ही नहीं है। बस और कुछ ज़्यादा मुझे बोलना ही नहीं है, बस इतना ही बोलूँगी कि आप लोग जनता हो और जनता भगवान समान होता है, आप मधु को क्या करना चाहिए और मधु से ही यही गलत है ये आप लोग डिसाइड करोगे। अरे अरे मेरे बिना भोजपुरी, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अच्छा काम करने का सोचती हूँ, मैं दिल से एक चीज़ बोलती हूँ, मैं अच्छा काम करने का सोचती हूँ। मैं ये सोचती हूँ अपना काम को बेहतर से और बेहतर कैसे किया जाए, कोरियोग्राफर के साथ उतना ही मेहनत मैं भी करती हूँ डांस स्टेप उठाने में डांस करने में, कोई थीम सोचने में उतना ही मदद मैं करती हूँ कि सब टीम मिला के टीम वर्क करने से काम अच्छा होगा कि नहीं, उस काम को और अच्छा गुड फीलिंग कुछ मिल सकता है कि नहीं, उसका परिणति अच्छा हो। अगर ये सब सोचना मेरा गलत है, अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग बताना मुझे। इतना छोटा सोच लेकर के कैसे ये बोलते हैं लोग कि हम भोजपुरी को ऐसा होने नहीं देंगे। मैं हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जैसे प्यार और आशीर्वाद मधु को देते थे वैसे ही देते रहिए, और आप लोगों का सपोर्ट इस समय मुझे बहुत ज़रूरी है। बाकी आप लोग भगवान हो, आप लोग सब जानते हो। मैं सारा चीज आप लोगों पे छोड़ दिया, अब आप लोग डिसाइड करना। कि आप लोगों की मधु को क्या करना चाहिए, ये मधु गलत है या सही है।
बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर. और जाते जाते एक ही बात, जितना हो सके ये वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुँच जाए जो लोग ऐसा सोच रखते हैं. और वो सारे मॉडलों के पास ये वीडियो पहुंच जाए जिन लोग आज तक मुंह खोल के अपना हक का नहीं मांग पाया. दैट्स इट. बाय बाय. जय माता दी. टेक केयर ऑल ऑफ यू.